टच इन गो से पाकिस्तान बेचने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कैसे करें? टच इन गो से पाकिस्तान इजी पैसा या जेस कैश अकाउंट पे कैसे बेचें? यहाँ पे हमारे पास दो वॉलेट है, जो है जेस कैश और अल्पा वॉलेट। तो सिंपली हमने जेस कैश सेलेक्ट कर देना। टच इन गो का बैंक वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करें? टच इन गो से पाकिस्तान बेचने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कैसे करें? टच इन गो से पाकिस्तान इजी पैसा या जेस कैश अकाउंट पे कैसे बेचें? यहाँ से इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि टच इन गो से आप पाकिस्तान किसी भी बैंक अकाउंट पे पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए उस वीडियो के कमेंट में कि भाई जान आप हमें यह बता दें कि टच इन गो से हम इजी पैसा या जेस कैश पे कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और या हमें यह बताएं कि टच एंड गो का बैंक वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे वो बैंक वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो आपको जो है वो लाजमी फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको जो है आप अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे करेंगे ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो में जाने से पहले कि अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं मलेशिया के बारे में अपडेट करता रहता हूं। और टच एंड गो के जितनी भी वीडियोस हमने इससे पहले बनाई थी अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखें। अभी हम जाएंगे मोबाइल के स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने टच एंड गो से ईजी पैसे या जेस कैश पे कैसे पैसे भेजने और इसका अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन। जी तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। अभी मैं जाता हूँ अपने टच एंड गो अकाउंट पे और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप टच एंड गो अकाउंट से अपने किसी भी ईजी पैसे या जेस कैश पे आप कैसे यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। तो ये आप आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने ये हमारा होम स्क्रीन है, उसके बाद हमने सीधा जाके रेमिटेंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से जो है वो इजी पैसा या जेस कैश पे कैसे पैसे भेजने हैं। तो ये अभी ओपन हो जाता है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, जो है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देता है बैंक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बैंक अकाउंट है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो ई वॉलेट है। ई वॉलेट का मतलब है आप जो इजी पैसा जेस कैश वगैरह होता है ये ई वॉलेट कहलाता है, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हमने सिंपली ई वॉलेट पे क्लिक करना है। ई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने कितने पैसे भेजने हैं वो यहाँ पे अमाउंट पे हमने क्लिक करने हैं, और या एग्जांपल हमने 1000 रिंगट जो है वो सेंड करने हैं। तो यहाँ पर ये हमको रेट बता देगा कि रेट ओ यहाँ से हम मैक्सिमम जो है वो 700 रिंगट तक भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ, उसकी लिमिट 700 तक है, ठीक है। तो मैंने 500 यहाँ सेलेक्ट किया। अभी हमें ये रेट देगा, रेट आज का रेट जो है वो 64.40 है, तो रेट दे दिया। और 6 रिंगट जो है वो इसका टोटल पीस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारा बैलेंस यहाँ से कटेगा 506 रिंगट। तो 6 रिंगट जो है वो ये लोग अपने पीस जो है वो लेते हैं। और कुछ दोस्तों ने सवाल किया है ये प्रोमोट कोड क्या है, प्रोमोट कोड हम कैसे डालें, कहां से डालें। तो इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। आपने सिंपली यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपने रिसीवर की डिटेल जो है वो डालनी है जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। तो यहां से ऑटोमेटिकली कंट्री सेलेक्ट है, ई वॉलेट जो है वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ से आपने देना है आप किसी को भी जिसको रिसीवर है जिसको पैसे भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रिलेशनशिप में वो आपका क्या लगता है, तो यहाँ पे आप अपने अगर पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं, बच्चों को भेजना चाहते हैं, रिलेट्स जो है वो रिश्तेदार फ्रेंड्स, या ख़ुद को भेजना चाहते हैं, तो सेल्फ में क्लिक करें और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो डायल करें, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर मैंने डायल किया और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ई वॉलेट जो है वो सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वॉलेट हमारे पास अवेलेबल है, एक है जेस कैश और दूसरा है अल्पा वॉलेट। इजी पैसा वॉलेट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वॉलेट है, जो है जेस कैश और अल्पा वॉलेट। तो सिंपली हमने जेस कैश सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर जो जेस कैश अकाउंट नंबर है वही हमने यहाँ पे सेंड कर लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक ऐसे ही नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही सबमिट में मैं क्लिक कर दिया तो ये रिसीवर की जो
सारा कुछ था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने देखे अभी जो है वो प्रपोज पेमेंट यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने यहाँ पे आप अपने जो है वो किस सिलसिले में पैसा भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं पर्सनल सेविंग पे कर देता हूँ, और यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट करते हैं सैलरी। ठीक है, उसके बाद आई एम द सेंडर, क्योंकि हम यहाँ से भेज रहे हैं तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने पूरी डिटेल जो हमने अभी डाली है वो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी हमारी। आप फिर भी देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी गलती आपने यहाँ से की है, तो आप बैक जाके चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और पे पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने टच एंड गो ई वॉलेट से पैसे भेज सकते हैं पाकिस्तान जेस कैश अकाउंट में। मैंने आपको सिखाया, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पैसे हम वेरिफिकेशन के बगैर भेज ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास मलेशिया में कोई भी बैंक अकाउंट है, आपका है, आपके दोस्त का है, किसी का भी है, सिंपली आपने उस बैंक का नाम जो है वो सेलेक्ट करना है और उस वो अकाउंट नंबर देना है, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप पाकिस्तान यहाँ से टच एंड गो से आप किसी भी बैंक अकाउंट पे या किसी भी जो है वो जेस कैश या अल्फा वॉलेट पे पैसे आराम से यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अगर आप 1000 के नीचे जो है वो सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपसे 6 रिंगट पीस कटेगा, और अगर आप 1000 से ऊपर के करते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से तो आपका 1 रिंगट जो है यहाँ से पीस नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि टच एंड गो से अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इजिली वीडियो देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए